जी सर, का स्क्वायर तो इस तरह होगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि कॉज ऑफ थीटा वर्सेस थीटा अप टू 90 डिग्रीज, क्या ग्राफ होगा? इट विल बी दिस ग्राफ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कॉज ऑफ थीटा का अगर स्क्वायर हो अगेंस्ट थीटा, तो वो किस तरह का ग्राफ होगा? तो इट वुड बी समथिंग अप टू 90 डिग्रीज, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। बेटा उसका जो ग्राफ है वो होगा समथिंग लाइक दिस। अहमद तौकीर, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। अच्छा, अब हम जो है इसको अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये थोड़ा सा हमने इसका किया था लास्ट टाइम। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, नंबर वन, मैक्सिमम हाइट इज गिवन एज यू का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसमें जो पहली चीज आपसे पूछी जाएगी वो ये है कि मल्टीपल बुलेट्स आर फायर्ड एट सेम एंगल, विद डिफरेंट स्पीड्स। मल्टीपल बुलेट्स आर फायर्ड एट सेम एंगल विद डिफरेंट स्पीड्स, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर मैक्सिमम हाइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू यू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू यू का स्क्वायर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर मैक्सिमम हाइट with respect to sine of theta? What do you think about their maximum height with respect to theta? And what do you think about their maximum height with respect to g? ओहो, अच्छा, ये मैं फिर ऊपर वाला स्टेटमेंट खत्म कर रहा हूं। ये सिर्फ यू का नहीं, सब चीजों का वेरिएशन लिखा रहने दो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फिर मुझे वन बाई वन चलना चाहिए था ना, क्योंकि बाद में मैं एंगल को भी फिर चेंज कर रहा हूं, बाद में जी को भी चेंज कर रहा हूं, तो फिर बस ग्राफ पे ही फोकस करते हैं। वन ओवर जी, पहले मेरा प्लान था कि सिर्फ यू की बात करेंगे, फिर एंगल की, फिर मैंने सबकी बात एक साथ कर दी है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, यू को चेंज करने से एच मैक्स पे क्या इफेक्ट होगा? एच मैक्स यू की किस पावर पे डिपेंड कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू स्क्वायर। अहमद तौकीर, ऐसे ही है? जी सर। तो मुझे बताओ, यू स्क्वायर वर्सेस यू पावर वन, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डू यू एक्सपेक्ट? वाई एक्सिस की तरफ होगा। जी बेटा, इट विल बेंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। H max depends on U का square. तो it's U का square against U का square. क्या graph होगा? It will be a straight line through the origin. Done or not done? Ahmed Taqeed. Done sir. ठीक है। H max against sine of theta.
depends on sine of theta. So it is sine of theta against sine of theta. So what do you expect? Kis tarah ka graph hoga? Straight line through the origin. Koi confusion? H max depends on sine of theta. H max depends on sine of theta. 0 degree se leke 90 degrees tak. So it will be a graph like this. हाँ जी बेटा, आती है समझ? एहसान हसन, क्लियर यहां तक? एहसान हसन, आइए समझ, क्योंकि ये देखो ना, ये साइन ऑफ, अच्छा ओहो ये गलती हुई है यहां पे, ये गलत है, गलती बताओ। ओरिजिनल रिलेशन में साइन का स्क्वायर था ना, या तो कि जो ओरिजिनल रिलेशन है उसमें साइन का स्क्वायर था, ये मैंने फिर ये ग्राफ गलत कर दिए। अगर मैं उस इक्वेशन के साथ चलूंगा तो ठीक होंगे, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में साइन का स्क्वायर होता है। थीटा का स्क्वायर, तो ये ग्राफ चेंज हो जाएंगे फिर। तो अगर साइन का स्क्वायर वर्सेस साइन है तो क्या ग्राफ बनेगा? अहमद तौकीर, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। तो ये बताओ जरा, साइन का स्क्वायर वर्सेस साइन क्या ग्राफ बनेगा? It will be something like this. अच्छा, अब साइन का स्क्वायर वर्सेस थीटा क्या ग्राफ बनेगा? साइन का स्क्वायर है ना, तो ये शेप बनेगा। दिस इज साइन का स्क्वायर वर्सेस साइन। अहमद तौकीर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अगर एच मैक्सिमम का ग्राफ है जी के साथ, तो एच मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन 1/g, इट्स 1/g वर्सेस जी, तो किस तरह का ग्राफ होगा? इट्स काइंड ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। कोई कंफ्यूजन बेटा? बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें? अहमद तौकीर, आ गई समझ? सर जी सर। एच मैक्स वर्सेस 1/g, इट्स एक्चुअली 1/g वर्सेस 1/g, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। कोई कंफ्यूजन बेटा? अहमद तौकीर? नो सर। ठीक है, यहां तक हो गया? जी सर। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं। अहमद बेटा? जी सर। अच्छा, अब एक मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का अंडर रूट कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर। ये कॉपी कर लो, कर ली? अहमद तौकीर, ये कॉपी कर लो, डन? जी सर। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ एफ, यार बच्चे बड़ा डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर शो करते हैं, वीकेंड पे क्लासेस नहीं लेते। ये अहमद तौकीर क्या चक्कर है? ये इस्लामाबाद में यही हालात है या डिफरेंट सिटीज में सेम काम चल रहा है? जब से कोविड आया बच्चे पढ़ाई में नॉन सीरियस हो गए। ये थ्रू आउट पाकिस्तान हुआ है या सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ है? सर थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर हुआ है सर, ऑनलाइन में तो कोई भी नहीं आता, हमारे क्लास में भी कोई आता। ये क्या वजह क्या है? बच्चों को लगता है कि हर वक्त प्रिडिक्टेड ग्रेड मिलेंगे? जी सर, उसी ख्यालात में बैठे हुए। आते आते खराब हो गई हैं आते। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने अभी 2 स्कूलों के पेपर मार किए, मैं टोटल 4 स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, तो विजिटिंग, तो उसमें से 2 स्कूलों का मिड टर्म हुआ है, मैंने मार किया है, ठीक है? तो 80% ऑफ द पेपर्स आर ब्लैंक हसीब, 80% ऑफ द पेपर्स आर ब्लैंक एंड स्टिल द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन पढ़ाई। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी जो कौम है वो जाना किस तरफ चाहती है। अगर तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर स्कूलों को बंद कर दिया जाए, और अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर बच्चों को पढ़ना चाहिए ना। पता नहीं यार बच्चे क्या करना चाहते हैं। अगर ऐसे हो ना कि बच्चे क्लासें ना लें और एग्जाम में 100% परफॉर्म करें, तो मैं तो कहूंगा जबरदस्त, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं,
लेकिन पेपर भी ब्लैंक मिल रहे हैं हमें। अच्छा एफ वर्सेस ए, बल्कि अजीब एक पेपर मैंने चेक किया, उसमें ना बच्चे ने अपनी थ्योरीज लिखी हुई हैं। उधर पूछा हुआ है कि व्हाट आर कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो उसने कोई अपनी कहानियां लिखी हुई हैं। वो कहते हैं देखें जी इक्विलिब्रियम के लिए ये होना चाहिए कि कोई गाड़ी है वो रोड पे जा रही है, तो फिर मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, हसीब अपनी कहानियां। Yes, sir. अच्छा ये देखो ये एफ है, एक होता है ना आना और एक होता है छोड़ना। अब छोड़ने वाली जो बात है वो कुछ ज्यादा हो जाती है ना, कि एक तो कॉन्सेप्ट नहीं आता फिर अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट लिखना शुरू कर दो। अच्छा एफ का ग्राफ बी के साथ, एफ का ग्राफ अंडर रूट ऑफ बी के साथ, एफ का ग्राफ कॉज ऑफ थीटा के साथ, कॉज ऑफ थीटा के स्क्वायर के साथ, एफ का ग्राफ डी के साथ, वन ओवर डी के साथ, वन ओवर डी के स्क्वायर के साथ। ये बनाओ जरा अहमद तौकीर, ये बन जाए तो मुझे बताना। हसीब बन जाएंगे ये वाले ग्राफ? कोशिश करता हूँ सर। हाँ यार बनाओ जरा यार, मजा नहीं बन रहा। ये बच्चों को ना क्लास लेनी चाहिए वरना फिर सारा काम खराब हो जाता है। फिर बाद में बच्चे कहते हैं कैम्ब्रिज वाले आउट ऑफ सिलेबस पेपर दे रहे हैं। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो आपने छुट्टियां की होती हैं क्लासों में 90 डिग्रीज। या तो कीर ग्राफ बन जाए तो मुझे बताओ यार बेटा। इसे या मैं 2010 में जेहलम में पढ़ाता था, आई थिंक 2010 ही था, 11-10 इस तरह कुछ था। वो जो पटरी के पास बीकन हाउस है वो अभी उधर ही है अहमद जी, ये जगह चेंज हुई है। अच्छा अभी उधर ही है, और उसके साथ एक सिटी स्कूल भी था ना? जी सर। एक बार आई थिंक मैं तुम्हारे घर भी आया हूं, 2011 में आई थिंक आया था। जी सर। तुम लोग उस वक्त छोटे छोटे हो गए बहुत, आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास में हो गए। सर आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में ही थे। हाँ ऐसे ही होगा, लंबा टाइम हो गया है, जिंदगी जल्दी गुजरती है। जी सर। हसीब बना ग्राफ? नहीं सर। ये तो मजे की बात तो ना हुई ना फिर। देखो सर हो गया। एफ का रिलेशन बी के साथ डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ बी, एफ डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ बी, तो फॉर दैट रीजन इट वुड गो टूवर्ड्स। हसीब बताते जाओ, आ गई इसकी समझ या है कोई कंफ्यूजन? अच्छा हसीब ये बताओ F और B का अंडर रूट, तो F डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ B। कैन आई से दैट इट्स अंडर रूट ऑफ B अगेंस्ट अंडर रूट ऑफ B? सो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा उसके बाद F का ग्राफ A के साथ, F इज डिपेंडिंग ऑन A का स्क्वायर, तो ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स द स्क्वायर, A का स्क्वायर। F वर्सेस A का स्क्वायर, इट डिपेंड्स ऑन A का स्क्वायर, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा एफ वर्सेस कॉज ऑफ थीटा, तो इट डिपेंड्स ऑन कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो कॉज ऑफ थीटा वर्सेस कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाँ अच्छा
उसके बाद है एफ वर्सेस कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर, तो इट्स कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर वर्सेस कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर, इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन. एफ डिपेंड्स ऑन डी स्क्वायर का इनवर्स, दैट इज वन ओवर डी स्क्वायर, सो इट्स वन ओवर डी स्क्वायर वर्सेज डी. अहमद तौकीर इस ग्राफ की शेप बताओ यार. इट्स अ ग्राफ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, डी टू डी थ्री डी. अहमद तौकीर अगर डी पे वैल्यू एफ होगी तो बताओ टू डी पे कितना होगी अहमद बेटा? टू एफ ना, एफ बाई फोर. बेटा ये देखो ना क्या रिलेशन है, वन ओवर डी स्क्वायर. आती है समझ? जी सर ठीक है. एफ होगा. अच्छा थ्री डी पे अब आप मुझे बताओ क्या होगी. अहमद तौकीर थ्री डी पे क्या वैल्यू होगी सर? एफ बाई नाइन. एफ बाई नाइन, वेरी गुड बेटा. तो थ्री डी पे वैल्यू मिलेगी एफ ओवर नाइन. एफ का ग्राफ वन ओवर डी के साथ, एफ डिपेंड्स ऑन वन ओवर डी का होल स्क्वायर, तो वन ओवर डी का स्क्वायर वर्सेस वन ओवर डी, इट विल गो टूवर्ड्स वाई एक्सिस. कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा वन ओवर डी का स्क्वायर. अहमद तौकीर अभी तक कोई कंफ्यूजन है जितने ग्राफ हम बना चुके हैं? नहीं सर. f वर्सेस 1 ओवर d का स्क्वायर, तो इट्स 1 ओवर d का स्क्वायर वर्सेस 1 ओवर d का स्क्वायर, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. f वर्सेस थीटा अप टू 90 डिग्रीज, इट डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर. सो द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी शुरू में थोड़ा कर्वेचर और फिर ये. हाँ बेटा आइए समझ. अहमद तौकीर जी सर. अच्छा जी हसीब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यारा. सर यही वाले दोबारा एक्सप्लेन कर दो. यही वाले दोबारा एक्सप्लेन कर दूं एक बार सारे ग्राफ? नहीं लास्ट वाला जो जो कॉस के साथ था वो. तो बेटा कॉस के ग्राफ की तुम्हें शेप याद होनी चाहिए ना. देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कहा जाए ना कि कॉस ऑफ थीटा का थीटा के साथ क्या ग्राफ होगा, तो जीरो डिग्री से लेके 90 डिग्रीज तक कॉस का ये ग्राफ होगा. जीरो से 90 तक कॉस का ये ग्राफ होता है. ठीक है. अच्छा रुक रुको ना जरा, अगर तुम्हें कहा जाए कॉस का स्क्वायर कर दो, फिर क्या ग्राफ होगा? ये हो जाती है. अच्छा अब मेरी जरा बात सुने, फर्ज करें अगर साकिब भाई चाय पी के जाए ना, चाय पी के जाए ना, बैठ जाए ना. अच्छा फिंगर लगा दे. हाँ अच्छा देखें बेटा. अहमद तौकीर मेरी आवाज आ रही है? जी सर. ये हो गया बेटा, ये कॉज ऑफ थीटा का ग्राफ है फर्ज करें थीटा के साथ. ठीक है, तुम्हें कोई बंदा कहता है कि यार एक काम करो इसका स्क्वायर किस तरह का होगा? अच्छा मेरी बात सुनो, इसका जो स्क्वायर होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे. इस वाले पार्ट का स्क्वायर सिर्फ यहां तक. अहमद तौकीर आइए समझ. जी सर. ये कर्वेचर डिवेलप हो जाता है थोड़ा सा यूं. अब बताओ नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ये बताओ जरा. इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. उसी तरह लेकिन कर्वेचर बनेगा. अच्छा फिर जो आगे वाला है ये वाला पॉजिटिव है बेशक, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा वो
हाँ जी अहमद तौकीर, आइए समझ यहां तक जी सर। अच्छा आप देखो अगले वाले का अगर स्क्वायर करते हैं, इस वाले का, हसीब कोई कंफ्यूजन है बेटा यहां तक? नहीं सर। तो ये है जी सारी कहानी, और ये हमने क्या बना दिया, कॉज वाले का स्क्वायर बना दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को दो तीन जगह पे हम यूज कर सकते हैं। फर्ज करें आपको एक क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं फॉर अ मैस, फॉर अ मैस अटैच्ड, फॉर अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड ऑसिलेटिंग हॉरिजॉन्टली, दे गिव यू फॉर एग्जाम्पल अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी versus time and they say that okay, this is the graph. Now the negative value of the velocity represents the motion towards left and the positive value of the velocity represents motion towards right. और ये कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है असीब? शुरू और खत्म का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है बेटा? Yes, sir. बस सिर्फ ये होता है कि जो हायर वैल्यू से स्टार्ट होता है वो कॉज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो चलें यहां तक बना दो, नॉट एन इशू। अच्छा अब मेरी बात सुनो, राइट पे मोशन पॉजिटिव, लेफ्ट पे मोशन नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। So this is a graph of velocity versus time. Left is negative and right is positive. Now if they ask you okay, what will be the variation of speed with time, so you have to think okay, what you will get. And at the same time, if they ask about kinetic energy versus time, you need to draw these graphs by yourself. Ahmed Taqir. Beta, ye aapne khud banane hain. Ahmed Taqir, Ehsan Hasan, Haseeb, ye aapne graph banane hain aur khud banane hain aur bada jaldi banane hain. Main wait kar raha hoon. अहमद तौकीर क्या सीन है बने? सर अभी बना रहा हूं। हसीब तुम्हें ये आइडिया समझ आ गया कि जो मैंने ये स्क्वायर वाली कहानी बनाई है, बताइए इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे वेलोसिटी का ग्राफ गिवन है ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का, तो उससे स्पीड बनाना है और कैनेटिक एनर्जी बनाना है, तो इस तरह बनता है, ठीक है? जी सर। हाँ जी एहसन हसन बन गया। एहसन हसन बन गया ग्राफ? चलो जी देखते हैं जरा। ये ग्राफ ना ऐसे बनेगा, ये हुआ
ये ग्राफ हो गया स्पीड का टाइम के साथ। काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा? नसीब कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। अहमद तौकीर बेटा आपको आ गई समझ? जी सर। अच्छा अब एक मैं अगली दो तीन सिचुएशन देता हूं उसके ग्राफ बनाओ। अच्छा मैं जो है ना जनवरी से फिर चौथा गियर लगाऊंगा, पांचवा छठा, मतलब सही स्पीड। अभी मैं आजकल थोड़ा सा तेज नहीं चल रहा क्योंकि थोड़े से बच्चे चले दिसंबर में विंटर ब्रेक्स के चक्कर में है, लेकिन मैंने फिर चौथा पांचवा गियर लगाना है। अहमद तौकीर तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल गई है जो मैंने भेजी थी या नहीं मिली? सर मिल गई। किस किस चैप्टर की? सर सेकंड वाले के नहीं मिली, बाकी सारे मिली आई थिंक, फिफ्थ वाले के नहीं। चलो मैं बाकी मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब की ना? जी सर, 6 तक मिली है और मुझे 5 और 7 नहीं मिली। मैं चेक करके फिर तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है? और तसल्ली से बैठ के अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, और जो वर्कशीट्स मैंने बनाई हुई है सॉल्यूशन के साथ जिनके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं वो मिली है आपको? नहीं सर। तुम्हें वो वाली वर्कशीट्स मिली है जिसमें मैंने एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप? जी सर। पक्का ना? जी सर। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें एमसीक्यूज के पहले सवाल हैं फिर हर सवाल के पीछे एक्सप्लेनेशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी सर वो मिली है। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन इसको समझ लो। ये क्वेश्चन आपने करना है जी, अ बॉल इज एक्सेलरेटिंग, अ बॉल इज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स ग्राउंड अंडर gravity in vacuum, तो first of all I will like कि आप सोचें और बनाएं कि velocity का graph time के साथ क्या होगा, उसके बाद आप सोचें और बनाएं कि speed का graph time के साथ क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा बाय योरसेल्फ, उसके बाद आप सोचें और बनाएं हाइट का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा, उसके बाद आप सोचें और बनाएं कि जीपी का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा। जीपी का ग्राफ हाइट के साथ क्या होगा? हसीब एक्सेस समझ आ रहे हैं? किसी एक्सेस में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो और हसीब एक ग्राफ आप मुझे बना के दोगे कि स्पीड जो है वो कैसे चेंज होगी विद डिस्टेंस फॉलन। ये आज का आखिरी सवाल होगा। अहमद तौकीर हो जाएंगे ये ग्राफ बेटा? जी सर। बनाओ बेटा। अच्छा देखो यार, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली। अहमद तौकीर कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा स्पीड टाइम,
speed will increase uniformly. Kinetic energy depends on speed ka square. So it will be something like this. Ahmed Taqir, koi confusion yahan tak? Nahi sir. Height time. Agar speed badh rahi hai to height ka kya relation hoga? Height to kam hogi. Lekin increasing speed ke saath. Haan ji, Ahmed Taqir ho gaya? Ji sir. To beta GP jo hai wo height pe depend karti hai na? तो टाइम के साथ सिमिलर बिहेवियर, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या है, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हसीब, यहां तक है कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर. जीपी वर्सेस हाइट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. अच्छा, स्पीड वर्सेस डिस्टेंस फॉलन, मेरी बात सुने. ऑन द वाई एक्सिस वी हैव स्पीड, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम. द स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. द स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. इतना डिस्टेंस. यार अहमद तो की स्पीड टाइम का आपका एरिया क्या होता है बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? सर एरिया अंडर द ग्राफ से हम लोग ट्रायंगल कर नहीं लेंगे 1/2. मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा. मैं कह रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैं ये पूछ रहा हूं. इफ यू टेक द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट क्वांटिटी? दिस इज द क्वेश्चन. बताओ. डिस्टेंस फॉलन. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डिस्टेंस फॉलन इज व्हाट? इट इज इंक्रीजिंग. Agreed? Yes, sir. तो बेटा स्पीड बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस फॉलन का जो डिविजन है वो बड़ा होता जा रहा है. तो मतलब डिस्टेंस फॉलन इतना था, फिर इतना हुआ, एंड इट्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. तो स्पीड लेकिन इंक्रीज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट. अहमद तकीर, आती है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? कि जी सर, हर सेकंड में देखो, स्लो था तो डिस्टेंस कम, फिर और बड़ा डिस्टेंस. अहमद तकीर, यहया एंड हसीब, तुम्हें आई है समझ? यस सर, समझ आ गई. एहसन हसन, तुम्हें समझ आई है मैंने एक्स एक्सिस पे डिवीजन बड़े क्यों कर दिए? एहसन हसन, मैंने एक्स एक्सिस पे डिवीजन बड़े क्यों कर दिए? आइए समझ. वो इसलिए कि डिस्टेंस फॉलन जो है वो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है. जी सर. तो ये देखो, इतना था डिस्टेंस, फिर इतना हुआ. तो यार अहमद तौकीर, ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सर एक्स एक्सिस पे. हाँ, ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स, तो वी वर्सेस डी इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. ठीक है जी, ये ग्राफ मैंने आपसे सबसे आखिर में पूछा था. आसिफ, आइए समझ कि स्पीड का डिस्टेंस फॉलन के साथ ये ग्राफ होगा. आसिफ बेटा, क्लियर यहां तक? क्लियर. यहां से आगे इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं, तो आज यहीं तक इंशाल्लाह रोक देते हैं. तो यहां से आगे फिर कल इंशाल्लाह. कल हमारा ग्राफ जो है, दो दिन ग्राफ चलेगा, मंडे ट्यूसडे. वेनसडे से हम शुरू करेंगे डायनामिक्स, और फिर उसके बाद होगा वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर के बाद फिर हम चले जाएंगे वेव्स एंड सुपरपोजिशन पे.
चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा अल्लाह हाफिज़।